बड़ी खबर सामने आ रही है। बागेश्वर धाम के नाम पर धोखाधड़ी की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी की जा रही है और बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई। फर्जी आईडी पर मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा तोहफा लिखा गया। बागेश्वर धाम की तरफ से सबके खाते में 999 रुपए डालने की पोस्ट जारी की गई है। ठगों ने लिंक की जारी कर दी और उसके बाद अब बैंक की डिटेल मांग रहे हैं। जनता को गुमराह करने की कोशिश ये ठग कर रहे हैं। मामला बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ा हुआ है। फर्जी आईडी पर मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा तोहफा लिखा हुआ है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, यहां पर ठगी का एक नया तरीका ईजाद किया बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर, किन बातों का जिक्र किया गया इस फर्जी पोस्ट में? तो हम सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम का कितना क्रेज है मध्य प्रदेश वासियों के अंदर, और जी ध्यान तरफ से ठगों की तरफ से इस तरीके का एक प्लान तैयार किया गया। फेसबुक पर पहले तो बागेश्वर धाम नाम से एक आईडी बनाई गई और उसके अंदर जो प्रोफाइल पिक है वो बागेश्वर धाम का तिरंग शास्त्री का लगाया गया। फिर एक पोस्टर डाला गया उसके अंदर, इसके ऊपर लिखा मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा तोहफा, और इसके साथ साथ फोन पे का एड और बागेश्वर धाम की तरफ से आपके खाते में डाले जाएंगे 999 रुपए। इसके साथ साथ उसके ऊपर क्लिक करने की भी कहा गया कि आप यहां पर क्लिक करिए, और उसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करने के बाद पहुंचते हैं तो उसके बाद एक स्कैन करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो उसके ऊपर अमाउंट लिखा रहता है और फिर यहाँ से धोखाधड़ी का खेल शुरू होता है। जैसे आप स्कैन करेंगे और जो अमाउंट रहेगा उसके बारे में कहा गया कि अगर ये पैसे आपको चाहिए तो फिर आपको इस एक क्लिक वहाँ पर लिंक दी गई, लिंक को क्लिक करेंगे और आपको वहाँ पर बैंक डिटेल डालनी होगी। बैंक डिटेल जैसे ही डालेंगे आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा, यानी पूरा खेल आस्था के नाम पर इस तरीके से ठगी का खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है। खासकर मध्य प्रदेश वासियों को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश किसी आस्था के रूप में उसको पूजा जाता है, उसको माना जाता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबों ने प्लान तैयार किया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।